देखिए सोनेट होती है 14 लाइन पोएम, ठीक है। 14 लाइन्स पोएम जो है वो सोनेट होती है, ठीक है। अब बात आती है, जब भी हम सोनेट की बात आती है ना, सबसे पहले पेट्रियार्क की बात आती है। पेट्रियार्क ये एक इटालियन पोएट था, ठीक है। और ये इस इटालियन पोएट ने भी 14 लाइन्स पोएम लिखी थी, यानी कि सोनेट का जो फाउंडर था आप ऐसे समझ ले, या फिर सोनेट की कन्वेंशन को डेवलप करने वाला था वो पेट्रियार्क था, ठीक है, जो कि इटालियन पोएट था। अब इसकी जो फॉर्म थी ना, सोनेट फॉर्म थी इसकी, वो थी 2 क्वार्टेन्स जो कि इक्वल होता था 1 ऑक्टेव के। ये मैं अभी आपको बताती हूँ, ये स्टैंजास फॉर्म है 1 ऑक्टेव के, ठीक है। 2 क्वार्टेन्स पे वो लिखता था, एंड देन 2 क्वार्टेन्स एंड देन 1 सेसेट। सेसेट इज इक्वल टू 6 लाइन्स, ठीक है, ठीक है। ये स्टैंजा समझ आ गई। अब जरा स्टैंजा फॉर्म देख लें कि क्या होती है। अब मैं आपको स्टैंजा फॉर्म बताने जा रही हूँ, स्टैंजा फॉर्म क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कॉपलेट क्या होता है। कॉपलेट इज इक्वल टू 2 लाइन्स स्टैंजा, सही। देन उसके बाद आता है अगर तो ये कॉपलेट राइम करता है, यानी कि इसकी राइमिंग स्कीम सेम है, तो इसको हम हीरोइक कॉपलेट कहेंगे, ठीक है। तो कॉपलेट 2 तरह के होते हैं, एक हीरोइक कॉपलेट होता है और एक होता है फ्री वर्स, उसको कहते हैं, जिसकी जो एंडिंग साउंड होती है वो, जिसकी जो एंडिंग साउंड ऑफ लाइन्स होती है वो राइम नहीं करती, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है क्वार्टेन, QUATRAIN। क्वार्टेन इज इक्वल टू 4 लाइन स्टैंजा, ठीक, समझ गए बात को। उसके बाद आता है सेसेट, सेसेट इज इक्वल टू 6 लाइन स्टैंजा, ठीक है। उसके बाद आता है ऑक्टेव, इसको कहते हैं 8 लाइन स्टैंजा, समझ गए बात को। अच्छा एक इधर रह गया, वो है 3 लाइन स्टैंजा, 3 लाइन स्टैंजा, इसको कहते हैं ट्राई सेट, सही। अब मैं यहां पे आपको कुछ चीजें बता रही हूं। मैंने आपको कहा कि सोनेट जो है, जो कि कन्वेंशनल सोनेट है, जो कि पेट्रियार्कियन सोनेट है, जिसको हम फॉलो करते हैं, ये सारे पोएट्स फॉलो करते हैं, वो 2 क्वार्टेन से मिलके बनती है, जो कि 1 ऑक्टेव के बराबर होती है, यानी कि वो 2 × 4 लाइन स्टैंजा इज इक्वल टू 8 लाइन स्टैंजा, सही हो गया। मैंने अभी यही बात की, इज इक्वल टू 8 लाइन स्टैंजा, समझ रहे हैं बात को। 2 quatrains आर इक्वल टू ऑक्टेव, इट मीन्स कि 2 quatrains इज 2 × 4 लाइन स्टैंजा इक्वल टू 8 लाइन स्टैंजा। तो हम ये कहेंगे कि वो, हम यू भी कह सकते हैं कि 2 quatrains एंड 1 sesset। एंड व्हाट इज 1 sesset, ठीक है। 1 sesset मिलता है 2 trisets से मिलके, कितने से, 2 × 2 trisets से मिलके जो बनता है वो 1 sesset बनता है, ठीक है। 1 sesset इज इक्वल टू 2 trisets, trisets 3 लाइन स्टैंजा को कहते हैं, समझ रहे बात को। और इस तरीके से अब जो शेक्सपियर ने लिखा ना, अब ये तो हमने अभी, शेक्सपियर ने क्या किया, उसने सोनेट फॉर्म को कुछ इस तरह से लिखा। लेट्स कंपेयर द सोनेट फॉर्म ऑफ शेक्सपियर विद दिस। अब शेक्सपियर एंड सोनेट किस तरीके से उसने लिखी, उसने लिखा इसमें था जनाब, उसने लिखे 4
इनटू थ्री क्वाड्रेंट्स, ठीक है, उसने जनाब थ्री क्वाड्रेंट्स एंड वन कॉपलेट, क्वाड्रेंट्स एंड वन कॉपलेट, समझ आ गई बात? ये उसकी, ये भी 16 लाइन पोएम ही थी, लेकिन यहां पे क्या था, चार क्वाड्रेंट्स थे, लेकिन जो कन्वेंशनल सोनेट थी उसके अंदर क्या था, टू क्वाड्रेंट्स और देन